कि हमारी मम्मियाँ ना जब बचपन में हम छोटे थे तो हमें भी कॉम करती थी, कंघी करती थी, तो जो बाल निकलते थे महिलाओं के खास तौर पे, तो लंबे बाल होते थे तो उसको संभाल के रख लेती थी, कहती थी इसको फेंकना मत। वैसे एक कोई कोई चीज़ होती थी, उसको कहते नहीं इसको बाहर फेंकना मत, जैसे कपड़े भी हैं तो कपड़ों को भी, यूज्ड कपड़ों को बाहर नहीं फेंकना है, या हमारे जो बाल हैं उनको बाहर नहीं फेंकना है, कि इनसे बहुत जल्दी इंसान जो है काला जादू भी हो जाता है, इनसे ब्लैक मैजिक हो जाता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर से जो अंग है उसके अंदर उसकी ऊर्जा रहती है तो वो अधिक प्रभाव करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए शरीर से निष्कासित जो भी जिस भी तरीके के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बाल हो, नेल हो, या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ब्लड है सारा, उन सबको थोड़ा सा तरीके से ही जो है डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही खुले में छोड़ देने से डिस्टर्बेंस हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति यदि आपसे ईर्ष्या रखता है और इस तरीके की क्रियाओं को जानता है, तो वो कुछ प्रयास, कुछ अभ्यास कर सकता है। यानी सिर्फ कपड़े और बाल ही नहीं, अगर कहीं किसी फोटो, आजकल तो फोटो से भी हो जाता है, फोटो से भी लोग करते हैं क्योंकि मेन उसके अंदर क्या है कि ऊर्जा होती है, उसकी ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा से जो है इस तरीके की क्रियाएं की जा सकती हैं, वो कोई बड़ी। अधिकांश तौर पे देखा गया कि ये सारी चीजें जो है ना वो लोग अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इमोशनली पीक पॉइंट्स के डे होते हैं, ऊर्जा भी अपने उच्चतम स्तर पे होती है अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, एकादशी स्टार्ट होके पूर्णिमा तक, तो इमोशनली पीक पॉइंट्स के भी डे होते हैं, तो इस समय करने में सुविधा हो जाती है उन सब प्रोसेस को। होता क्या है कि ज्वार भाटा भी आता है पृथ्वी पर, चंद्रमा जो है पृथ्वी के जल को आकर्षित करता है उसी समय पे, तो उसका प्रभाव होता ही है। इस समय जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स वालों को अधिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो जो मेंटल असाइलम में हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी इसीलिए लोग जैसे अगर इसीलिए उस समय जो है फास्टिंग का भी प्रावधान है हमारे शास्त्रों के अंदर, एकादशी व्रत जो है निर्जलाहार व्रत का जो है प्रावधान रखा गया है, ताकि स्टमक में यदि कुछ होगा तो हमारी जो एसिड्स होगा ऊपर की तरफ ना बढ़े, इसलिए स्पेशली एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा मोर एसिडिक हो जाता है, और चावल सबसे ज़्यादा ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करता है, नकारात्मक ऊर्जा को सबसे अधिक उर्जित करता है, संचित कर लेता है अपने अंदर। और आज जिस दिन हम शूट कर रहे हैं ये भी एकादशी है तो योगी जी यानी कि जो हमारे हाँ, वो कई बार चीजें होती है, हाँ। होता क्या है कि जब कहीं किसी दिन काम नहीं बन रहे वो एकादशी में बन जाते हैं, कोई याद नहीं कर रहा तो एकादशी वाले दिन फोन आ जाएगा, यस। तो ये चीजें होती हैं क्योंकि इमोशनली पीक पॉइंट्स के डे हैं, तो होता है ये, तो आप मतलब हमेशा नोटिस करेंगे, यदि किसी को फिजिकल प्रॉब्लम्स होगी तो वो उसी दिन याद करेगा, मेरे को एकादशी वाले दिन जो कभी कोई याद नहीं करता वो एकादशी वाले दिन जरूर याद कर लेता है, मेरे को ये पूछना है, ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो होता है।